क्या बिग बॉस 14 में पार्टिसिपेशन की रूमर्स की वजह से टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के हाथ से निकले दो बड़े प्रोजेक्ट? क्या बिग बॉस 14 के लिए अपने सीरियल विघ्नहर्ता गणेश को किया आकांक्षा ने क्विट? अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कही आकांक्षा ने बड़ी बात? आखिर क्या कहना है आकांक्षा का, आइए जानते हैं। विघ्नहर्ता गणेश की देवी पार्वती यानी आप सबकी प्यारी टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी हाल फिलहाल में सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने अपने शो को कहा अलविदा। फैंस ने उनके लुक्स और एक्टिंग को काफी पसंद किया, पर जब से उन्होंने शो को अलविदा कहा है तब से अटकलें लगाई जा रही है कि बिग बॉस 14 का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने कहा अपने शो को टाटा बाय बाय। तो इसी पूरी बात पर आकांक्षा ने रीजन इंस्टाग्राम लाइव में कहा, मैंने विघ्नहर्ता गणेश को जरूर क्विट किया, पर इसमें कोई जॉयफुल बात नहीं है। मैं मेरी न्यू जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। हमें नहीं पता होगा कि लाइफ में आगे क्या नेक्स्ट आने वाला है, पर कई बार कोई कोई बातें और स्पेकुलेशंस अक्सर परेशान कर देती है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने बिग बॉस 14 के लिए विघ्नहर्ता गणेश को नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है कि मैं चैलेंजिंग और वर्सेटाइल रोल्स करके मेरे फैंस को एंटरटेन कर पाऊंगी। पर व्यूवर्स, हम आपको बता दे कि एक क्लोज सोर्स ने एंटरटेनमेंट वेबसाइट पोर्टल स्पॉट बॉय को आकांक्षा के बारे में दी एक खास जानकारी। सोर्सेस ने स्पॉट बॉय से कहा, ग्राउंडलेस अजम्पशंस के चलते आकांक्षा ने हाल फिलहाल में अपने हाथ से दो प्रोजेक्ट्स खोए हैं। तो व्यूवर्स, क्या कहना है आपका आकांक्षा के स्टेटमेंट्स पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।